सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी और बहुजन समाज पार्टी से सोनीपत लोकसभा प्रत्याशी राजबाला सैनी ने लोकसभा क्षेत्र के कई गांव में अपना चुनावी अभियान तेज कर दिया है। इसी के तहत युवा आज़ाद हिंद फौज गोहाना द्वारा आयोजित कबड्डी प्रतियोगिता में बतौर मुख्य अतिथि पहुंची और खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। इस अवसर पर राजबाला सैनी ने कहा कि पार्टियों ने 70 साल में गरीबों को वोट लेकर बरगलाने का काम किया है। अपने संबोधन में कहा कि हमें अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी पड़ेगी ताकि हमारे बच्चे देने वाले बने, ना कि किसी से लेने वाले। उनकी पार्टी समान रोजगार समान विकास के मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जा रही है और पार्टी को मिल रहे जन समर्थन से हम एक बड़े परिवर्तन की ओर बढ़ रहे हैं। जब तक 100% आरक्षण लागू नहीं होगा, जिसकी जितनी संख्या हमारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, तब तक इस देश से जातिवाद मिट नहीं सकता। सांसद राजकुमार सैनी जी का पहला मुद्दा ही है कि 100% आरक्षण कर दीजिएगा ताकि किसी का भी जाति का मुख्यमंत्री बनो वो आपकी नौकरियों को ना पा सके, आपके हिस्सों को ना पा सके। एक परिवार एक रोजगार, हर घर में एक नौकरी जरूर होनी चाहिए। अगर शरीर में एक उंगली का नाखून भी आपका दर्द कर रहा है तो वो दर्द का एहसास पूरे शरीर में होता है। इसी तरीके से अगर एक घर में भी चूल्हा नहीं जला है तो वो आप सबको कोई ना कोई जरूर परेशानी पहुंचाएगा। तो हर घर में एक रोजगार जरूर होना चाहिए। जनसंख्या को नियंत्रित करके रोजगारों को बढ़ाना ये सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। एमपी एमएलए सरकारी कर्मचारी को जब पेंशन मिल सकती है तो दुकानदार किसान मजदूर महिलाओं को भी वृद्धा विकलांग और विधवा 5,000 पेंशन दी जाएगी। और आजादी से लेकर आज तक जिन परिवारों में नौकरियां नहीं मिली है उन परिवारों में पहले नौकरी दी जाएगी। एक घर में 10-10 नौकरियां और एक घर में पीढ़ी तक कोई नौकरी नहीं, इस भेदभाव को सहन नहीं किया जाएगा। और जब तक उस परिवार को नौकरी नहीं मिल जाती 10,000 रुपए सहायता राशि के रूप में दिया जाएगा। मैं एक गुरु होने के नाते मेरा धर्म बनता है कि नेताओं ने 250 परिवारों के नेताओं ने गली गली मोहल्ले मोहल्ले में शराब के ठेके खुलवा दिए, जबकि खुलने चाहिए थे मंदिर और हॉस्पिटल, अच्छे टीचर्स आने चाहिए थे और अच्छे डॉक्टर आने चाहिए थे, आपको सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, महिलाओं की सुरक्षा हो। सरकार ने हमारे गरीब बच्चों के हाथ में कटोरा पकड़ा दिया। जाओ पैदा हो और बचपन से ही भीख मांगना शुरू कर दीजिएगा। हमें स्वाभिमानी बनाना है, अपने बच्चों को अपने पाँव पे खड़ा करना है और उन्हें देने वाला बनाना है, लेने वाला नहीं बनाना। ये आरक्षण के नाम पर जो सामान्य वर्ग और दलित पिछड़ों में जो मतभेद जाग